तीन पे जो परियोजना है 4 और 5 4 सेकेंड और बड़ा मालानी चार दो टोटल इसके 889 और करीबन 3217 के लिए ये दिल्ली की थी और वहाँ उम्मीद है वहाँ फंड देने की जाएगा। इसमें फंड देने की बात नहीं चल, ये अपन ने कब भेजी थी यहाँ से? यहाँ से भेजी थी जनवरी के मिड में, जनवरी 21। तो कब तक आपकी कोई चर्चा वगैरह हुई हो वहाँ, कोई बताया उनमें भी कुछ? हाँ, दो डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड और है, हमारा झुंझुनू एक और है, बाड़मेर और झुंझुनू, दो स्कीम है झुंझुनू की। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में पैसा सेंक्शन हो गया क्या? नहीं, तो साल में होगा, एक साल की होगा। बैठक की और परिवाद भी सुने, किस प्रकार की बड़ी समस्याएं सामने आई, अधिकारियों किस प्रकार के निर्देश दिए गए? राज्य सरकार के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले के प्रभारी सचिव की नियुक्ति की अरे और प्रभारी सचिव के हिस्से से मेरे को जिला बाड़मेर का प्रभारी का जिम्मेदारी दी गई है। उसके अंतर्गत आज जो बाड़मेर जिले के सभी जिला अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, उनके साथ डिटेल समीक्षा बैठक आयोजित की गई और उसमें जो सभी विभाग हैं उनके जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणाएँ की गई हैं उनका है, प्लस जिला परिषद की जो स्कीम्स हैं उन सभी का डिटेल रिव्यू किया गया और डिटेल रिव्यू करके सभी विभाग के अधिकारियों को उनको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। अभी क्योंकि बाड़मेर जिला पानी के लिए जल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसका डिटेल कार्य योजना आने वाला क्योंकि समर सीजन है उसको देखते हुए डिटेल कार्य योजना बनाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। कलेक्टर साहब से भी निर्देश दिया है कि आप सभी उनको देखते हुए अपने जो भी टैंकर्स वगैरह करने हैं, जो भी टैंकर्स की व्यवस्था करनी है, जो फैमिली प्रभाव के लिए हैं, किस तरह से काम करना है, वो सारी चीज़ें हमने पिकअप की हैं। इसके साथ साथ PHED की जो एक योजना है DGM उसको किस तरह से गति दी जाए उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ साथ जो नए प्रोजेक्ट्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही
बजट अनाउंस किया है और बजट घोषणा के अंतर्गत जो जिले की विभिन्न नई बजट घोषणाएं हैं उनको समयबद्ध तरीके से हम चाहते हैं कि सभी के प्रस्ताव बने जिसमें जमीन आवंटित होनी हो जमीन आवंटित हो जिनमें आगे और कार्रवाई करनी है ताकि हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो बाद में डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको प्रस्ताव बनाकर भेज सकें राज्य को, उसके लिए मैंने आपसे कहा है। इसके अलावा जो PWD के तहत जो योजना है भारतमाला योजना है प्लस और भी जो रिपेयर के वर्क्स हैं क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जाना है, कुछ राजकीय भवन का भी काम है, लिंक रोड्स का भी काम है, उनके लिए भी कलेक्टर साहब से निवेदन किया है, PWD वाले अधिकारियों से विस्तृत इस बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा CMHO जो है मेडिकल एंड हेल्थ केयर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं उनसे जो CMHO के जो स्कीम्स हैं फ्लैगशिप स्कीम्स स्वास्थ्य की चल रही हैं उस बारे में भी डिटेल से बात की गई। इसके अलावा जो एनर्जी डिपार्टमेंट है ऊर्जा विभाग उसके अंतर्गत हमने कहा है कि जो बिजली के तार वगैरह ढीले हैं या जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है या उनको ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है या गार्डिंग उनका करना है वो चिन्हित इन्होंने कर ली है, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी इनको डिटेल डायरेक्शंस दिए थे, इन्होंने वो सारी चीज़ें तैयार करके और उसमें से काफ़ी हद तक प्रोग्रेस भी इन्होंने बताई है कि कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअल अधिकारियों से चर्चा की गई है, कलेक्टर साहब से भी चर्चा की गई है और कुछ परिवेदनाएँ भी कुछ कंप्लेंट्स कुछ रिप्रेजेंटेशंस भी ग्रामवासियों मतलब बाड़मेर के जो रहने वाले लोग हैं ग्रामवासी हैं आसपास के उन्होंने दिए हैं, उसके लिए भी मैंने कलेक्टर साहब से और जो भी संबंधित अधिकारी से कहा है कि इसको तुरंत वो देखा जाए। बाड़मेर प्रॉपर में भी अभी एक अतिक्रमण का कोई मैटर था, कोई मिस्टर खत्री जी हैं जिन्होंने दिए थे, उसके लिए जो भी संबंधित अधिकारी उनको निर्देशित किया है कि इसको तुरंत देखें और कल शाम तक इसकी रिपोर्ट। सर जिले में आमतौर पर नरेगा में भ्रष्टाचार और रेवेन्यू कुछ संबंधी मामले खेत संबंधी जमीनी संबंधी मामले वो लगातार आते रहते हैं पिछले कई वर्षों से, तो उसको लेकर निस्तारण के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए? बिल्कुल, नरेगा का भी इसमें डिटेल रिव्यू अभी मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले CEO जिला परिषद को जोधपुर बुलाया था और जो आप पूछ रहे हैं उस पर विस्तृत दिशा निर्देश उनको जारी किए गए हैं नरेगा से संबंधित और जो जमीन से संबंधित मैटर्स हैं उस पर हमने डायरेक्शन दिए हैं। इसके अलावा जो इनकी जो योजनाएं चल रही हैं प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना MP MLA लेड वाली स्कीम्स हैं सब के बारे में क्योंकि प्रोग्रेस जो है अब टाइम आ गया है क्योंकि अभी कोविड के कारण थोड़ा सा कार्यों में जितना गति आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, लेकिन अब जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आपको पता है कि VC के माध्यम से हर स्कीम की हर योजना की मॉनिटरिंग की जा रही है निर्देश दिए जा रहे हैं और उसी की अनुपालना में उन लोगों के स्तर पे भी रेगुलरली कलेक्टर साहब के स्तर पे भी मेरे स्तर पे भी रेगुलर VC करके और हम जो पिछला पीरियड है उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सीधा लाभ जनता को उसका दे सकें। सर सर जो आज हमने रिफाइनरी वाले जो हैं उनको भी बुलाया था, मुझे यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों ने यह अवगत कराया था कि साहब ये जो ग्रीन प्लांटेशन वहाँ करना था उन्होंने नहीं किया है, उनको उनके जो हेड हैं यहाँ पर उनको हमने बुलाया था, उनको भी बताया है कि जो ग्रीन वाला आपने एग्री किया है वो पार्ट आप शुरू कर दें, इसके लिए फॉरेस्ट विभाग और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या ये जो अपने काजली और आफरी के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मार्गदर्शन लेके और उसको तुरंत चालू कर सकें ताकि एनवायरमेंट का जो आस्पेक्ट है वो किसी तरह से ख़राब नहीं हो। दूसरा वहाँ पर ये भी एक बात बताई गई थी कि जो लोकल पब्लिक है उसको भी बेटे उनका दिया जाए। तीसरा जो है CSR जो फंड है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए भी हमने उनको कहा है कि जो विकास के लिए फंड का जो शेयर उनको देना है वो भी प्रायोरिटी से वो आइडेंटिफाई करके और तुरंत दिए जाए। इसके तहत शिक्षा में मेडिकल एंड हेल्थ में रोड्स में सब कार्रवाई कलेक्टर साहब कर रहे हैं, रेगुलरली कलेक्टर साहब के द्वारा भी रिव्यू मीटिंग की जा रही है और हमारे द्वारा भी रेगुलर इनसे बातचीत की जा रही है। कुछ ज़रूर बात सामने आई है कि PHED में जो है कुछ चीज़ें पानी की दृष्टि से और गति की आवश्यकता है, तो हमने संबंधित इंजीनियर हैं कहा है कि वो तुरंत इसमें प्रोग्रेस बताएँ। सर परिषद वाले जो लोग हैं उनको भी हमने बुलाया है और ये कहा है कि आगामी चूँकि वर्षा का सीजन भी है नालों की सफाई है सीवरेज सिस्टम है उसको तुरंत दुरुस्त किया सर एक
कलेक्टर साहब ने जो प्रस्ताव है वो विभागों को जो संबंधित विभाग है उसको भेज दिया है और हम परसों करके और